देखिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जलजूलिनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य और समृद्धि में कहीं ना कहीं वृद्धि होने लगती है। तो मित्रों, इस बार जलजूलिनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पण करके उनके 108 नामों का जाप करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। यानी आप अगर बेचैन रहते हैं, आपकी कुंडली का कमजोर है चंद्रमा, तो बिल्कुल ना घबराइए। भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप इस जलजूलिनी एकादशी पर आप करिए, कुंडली का कमजोर चंद्रमा मजबूत होगा, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और आप अवसाद रोग से, कहीं ना कहीं जो मानसिक अवसाद था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस एकादशी पर व्रत पूजा पाठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करके जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि जलजूलिनी एकादशी पर चंद्रमा को मजबूत कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर एकादशी का व्रत करने से कुंडली का कमजोर चंद्रमा मजबूत होता है, लेकिन इस एकादशी पर आपको क्या प्रयोग करना है, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, जलजूलिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फल फूल और मिष्ठान आदि अर्पित करके आपको पूजा अर्चना करनी है। 11 की संख्या में उन्हें पीले फल या केले अर्पित करिए। थोड़ा सा शुद्ध केसर आप भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप रख दीजिए। आसन पर आप बैठ जाएं और ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद ये जो पीले फल आपने भगवान विष्णु को अर्पित किए थे, छोटे बच्चों में बांट दीजिए, लोगों में बांट दीजिए, और केसर का तिलक आप अपने माथे पर करिए। प्रतिदिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले आप इस केसर का तिलक करिएगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका कार्य अवश्य बनेगा। मित्रों, कभी कभी व्यक्ति ना अपने आप में असहाय सा महसूस करता है, वो किसी स्थान पर जाता है, उसका कोई काम नहीं बनता, तो भाई इस जलजूलिनी एकादशी पर आप अपने आकर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अट्रैक्शन पावर आपके अंदर आएगी, आइए आपको बताते हैं। एकादशी के दिन सुबह के समय दाएं हाथ से पीले फल और फूल भगवान नारायण को अर्पण करें। गाय के घी का एक दीपक जलाएं, नारायण स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करें। एकादशी के दिन से लगातार आने वाले 21 दिन तक नारायण स्तोत्र का कम से कम 1 बार पाठ आपको प्रतिदिन अवश्य करना है। ऐसा करने से आपका आकर्षण एकदम से बढ़ेगा, आपकी जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ने लगेगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपका हर कार्य बन जाएगा। मित्रों, अब जलजूलिनी एकादशी का महा उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सुबह के समय जब आप स्नान करें, जब नहाएं धोएं, तो अपने नहाने के पानी में 3-4 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर आप स्नान करिए। अपनी उम्र की संख्या के बराबर आप जो है हल्दी की साबुत गांठे लीजिए, कुछ पीले फल ले लीजिए, भगवान विष्णु के मंदिर में आप ये अर्पण कर दीजिए। अब किसी आसन पर बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद अर्पित किए हुए फलों को जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए और हल्दी की साबुत गांठों को किसी कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा दवाओं पर खर्च नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे।